कि कैपेसिटी कंसिडरेशन कैपेसिटीज के हम बेसिकली जो आ, हमने डिटरमिन करनी है तो उसके लिए वी नीड एक्यूरेट डिमांड फोरकास्ट अब एक्यूरेट फोरकास्ट इज नेवर एक्यूरेट ठीक है उसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ कमी बेशी होती है बट वी कैन से अ वेरी गुड फोरकास्ट कैसट विच इज क्लोज टू एक्चुअल डिमांड तो वो फोरकास्ट हमारी होनी चाहिए कि हम डिटर्मिन कर सकें कि हमें क्या कैपेसिटी रिक्वायर्ड होगी वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी के बारे में और कैपैसिटी इंक्रीमेंट्स के बारे में कि अगर कैपैसिटी इंक्रीज करेंगे तो इसका यह मतलब नहीं कि जितनी भी हम चाहते हैं उतनी ही इनक्रीज़ हो टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर अगर हम लड़से कहते हैं कि जी थाउजेंड यूनिट्स uh, की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है तो थाउजेंड यूनिट्स की लॉन्ग टर्म प्लानिंग में उसकी इंक्रीज करें तो वो शायद पॉसिबल ना हो जो हमने ऐड करने इक्विपमेंट वो हो सकता है टेन थाउजेंड के इंक्रीमेंट कैपेसिटी में कर दे सो so, uh, कभी भी आप उसको एक कंटिन्यूस उसके अंदर इंक्रीज नहीं कर सकते कैपेसिटी को ये जंप्स लेती है ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट के जी ऑप्टिमल ऑपरेटिंग लेवल क्या है ठीक है व्हाट इज रिक्वायर्ड और फिर उसके अंदर हम चेंज बिल्ड करें कैपेसिटी को अगर हम देखें उसकी स्ट्रेटजी को तो कैपेसिटी जो है वो डिसीजंस कैपेसिटी के जो हैं वो जो हमने दस ऑपरेशंस मैनेजमेंट के डिसीजंस पीछे पड़े थे तो उसके हिसाब से ये कैपेसिटी इम्पैक्ट करती है इन सब दस के दस आ, ओ एम डिसीजनस को uh, और ये जो कैपेसिटी के हमने जो डिसीजन करना है इट मस्ट बी इंटीग्रेटेड इन टू द ऑर्गेनाइजेशन मिशन एंड स्ट्रेटजी हम ये नहीं कर सकते कि जी कैपेसिटी हम uh, चाहते हैं कि फ्लेक्सिबल सिस्टम हो हमारा और हम फिर ये भी कहें कि जी कैपेसिटी uh, जो है वो कंटिन्यूस फ्लो वाली कैपैसिटी हम अचीव कर लेंट दैट इज दैट शुड नॉट बी फिजेबल वो फीजबल नहीं होगी uh, इसी तरह डिमांड को हमें कैसे हैंडल करना चाहिए तो दे आर नंबर ऑफ वेज अब कैपेसिटी हमारी नहीं है इतनी डिमांड uh, एक्सीड कर गई है तो दे आर कपल ऑफ वेज जिसके हम इसको हैंडल कर सकते हैं फॉर इन शॉर्ट टर्म एंड दैट इज डिमांड को कर्टेल करना बाय इंक्रीजिंग प्राइस अगर प्राइस एलास्टिसिटी है आपके प्रोडक्ट की तो उसके अंदर डिमांड uh, अगर आपने कम करनी है अपने प्रोडक्ट की तो उसकी प्राइस बढ़ा दें बट दैट हैज़ इट्स ओन नेगेटिव इफेक्ट्स जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे बट जस्ट इन जनरल अगर आपने प्राइस बढ़ा दी तो कंपेटिटर्स विल सी के और लोग देखेंगे कि इसके अंदर तो बड़ा प्रॉफिट आ रहा है ये तो बड़ी प्राइस पर बिक रहा है तो वो एंटर कर सकते हैं मार्केट में

इन दैट केस देर इज़ अ वे के जी अपने प्रोडक्ट्स के प्रमोशन वगैरह करें ठीक है उसके अंदर इंसेंटिवस uh, दें सो इस मार्केट को स्टिमुलेट करें uh, और दूसरा है कि जी प्रोडक्ट चेंज करें uh, उसकी डिमांड बढ़े सो दैट आपकी कैपेसिटी यूटिलाइज uh, हो सके uh, एक और है कि जी सीजनल डिमांड होती है तो उस केस में क्या किया जाए सीज़न में डिमांड बहुत बढ़ जाती है और फिर दूसरे सीजन में एकदम गिर जाती है तो कैपेसिटी को हैंडल किस तरह किया जाए uh, उसके अंदर देर इज अ वे जिसके अंदर हम कहते हैं कि कम्पली कम्प्लीमेंट्री डिमांड का जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप प्रोड्यूस करने लग जाएं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है इट इज़ नॉट इजी टू ऑलवेज फाइंड कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स बट देर इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्की मोबाइल एंड ये जो आपके जेट्स की होती है जो कि समुंदर के ऊपर हम यूज़ करते हैं तो जेट्स की गर्मियों में उसकी डिमांड बढ़ती है और स्की मोबाइल की सर्दियों में डिमांड होती है दोनों में सिमिलर इंजन लगते हैं सिमिलर किस्म का डिज़ाइन होता है चीज़ें यूज की जा सकती हैं जो आपका प्रोडक्शन सिस्टम है वो दोनों के लिए सेम यूज़ किया जा सकता है और उसकी वजह से ये होगा कि जो एक्चुअली अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल जेट्स की है उसकी डिमांड आप ये दो साल का डेटा है इसके अंदर अप्रैल मार्च मई में इसकी डिमांड इंक्रीज कर रही है बहुत तेज़ी के साथ और नवंबर दिसंबर में बिल्कुल नीचे चली गई है ऑन द अदर हैंड इफ़ वी लुक एट स्नो मोबाइल तो वो अप्रैल मई में डिमांड नीचे है बट नवम्बर अक्टूबर नवंबर में डिमांड उसकी बहुत हाई चली गई है तो ओवरऑल जब डिमांड पैटर्न देखेंगे तो वो अच्छा खासा कंबाइन करेंगे तो वेरिएशन जो है वो रिड्यूस हो गई होगी तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट टाइप डिमांड होगी थोड़ी सी फ्लक्चुएशन के साथ सो दिस इज़ वन वे वी कैन यूज दैट अनदर अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज इकोनॉमीज एंड डिसकोनॉमीज ऑफ स्केल अगर हम देखें लट से ट्वेंटी फाइव रूम रोड साइड मोटल है उसका पर रूम जो कॉस्ट है वो लट्स ट्वेंटी फाइव की ये पड़ रही है जब हम उसको इंक्रीज करते हैं फिफ्टी तो उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट जो है लार्ज नंबर ऑफ रूम्स के ऊपर डिवाइड हो जाती है लार्जर नंबर ऑफ रूम्स और बेसिकली जो देखा जाए तो कैपेसिटी हंड्रेड परसेंट इंक्रीज हुई है लेकिन फिक्स कॉस्ट इतनी इंक्रीज नहीं हुई होगी कम इससे इंक्रीज हुई होगी हैंडल हो सकता है बट जब हम फिफ्टी से हम सेवेंटी फाइव की तरफ जाते हैं तो हमारी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हुई है थर्टी थ्री परसेंट से बट फिक्स कॉस्ट हो सकता है कि ज्यादा इंक्रीज हो गई हो तो उसका जो है उसकी वजह से हमारे कॉस्ट बढ़ जाती है पर रूम तो हम अगर इसको देखें टोटल को तो फिफ्टी इज द ऑप्टिमम और इसके अंदर जो इकॉनमी हम कहेंगे कि ट्वेंटी फाइव से हम फिफ्टी की तरफ मूव कर रहे हैं तो इकोनमीज ऑफ स्केल हम अचीव कर रहे हैं लेकिन जब फिफ्टी से ऊपर जाते हैं तो कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है दैट इज़ दिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल सेट सेन तो ये इसका हमें ख्याल रखना पड़ता है हमेशा ये नहीं होता कि ज़्यादा होगा तो उसकी वो जो कॉस्ट है वो बेहतर हो जाएगी